डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीन कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द फर्दर स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जैसा कि हमने प्रिवियस लेक्चर में मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस के रिगार्डिंग टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपसे तीन इसके स्टेप्स डिस्कस किए थे द फर्स्ट वन वॉज द डेवलपिंग मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम सेकेंड वन वॉज द एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे एंड थर्ड स्टेप वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्किंग हाइपोथीसिस वर्किंग हाइपोथीसिस को डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन नाउ द रिसर्चर विल भी रिक्वायर टू प्रिपेयर आ रिसर्च डिज़ाइन दैट इज ही विल हैव टू स्टेट द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च वुड बी कंडक्टेड द प्रिपरेशन ऑफ सच और डिजाइन फैसिलिटेट रिसर्च टू बी एज एफिस एज पॉसिबल इन मैक्मम इंफॉर्मेशन यानी कि एक बार जब आप वर्किंग हाथ को क्रिएट कर लेते हो उसके बाद एक रिसर्चर को मार्केटिंग रिसर्च को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करना होता है रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब होता है ये एक प्रॉपरली कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस पर रिसर्च को प्रॉपरली कंडक्ट किया जाता है रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी उसके रिगार्डिंग आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है और इस बेसिक और कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर को हम रिसर्च डिजाइन का नाम देते हैं जब इस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर कर लिया जाता है तो इसके बेसिस पर रिसर्च को प्रॉपर और एफिशिएंट वे में कंडक्ट किया जा सकता है और इसके बेसिस पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को भी गेन किया जा सकता है जल लेकिन जब हम इस रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है जिसके बेसिस पर जो रिसर्च प्रॉब्लम हो जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अप्रोप्रिएट वे में फोकस किया जा सकता है तो क्या क्या पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको कंसिडर करना जरूरी होता है रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से द वेरी फर्स्ट वन इज द द द ऑफ दीन्सॉर्मेशन यानी कि आप इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ऑप्टेन करोगे उसके रिगार्डिंग क्या टूल्स आपके द्वारा यूज किए गए क्या क्या आपके द्वारा यूज किए जाएंगे आपको यहाँ डिफाइन करना होता है इसके साथ साथ द एवेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द रिसर्चर एंड एज स्टाफ रिसर्चर की क्या एवेलीबिलिटी रिसर्चर की एवेलेबिलिटी और उसकी स्किल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है और जो उसका स्टाफ उसके अंडर वर्कआउट कर रहा होता है उसके एबिलिटी और उसकी स्किल्स के बारे में भी प्रॉपरली आपको डिफाइन करना होता है इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे इन विच सेलेक्टेड मीन्स ऑफ ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन विल बी ऑर्गेनाइज जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन को ऑप्टेन करने के डिफरेंट मीन्स को ऑर्गेनाइज करोगे उसे सेलेक्ट करने के तरीकों को भी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है नेक्स्ट वन इज द द टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको रिसर्च एक्टिविटी को कंप्लीट करना है वो टाइम आपको पहले से ही डिफाइन करना होता है इन द रिसर्च डिजाइन द नेक्स्ट वन इज द द कॉस्ट फैक्टर रिलेटिंग टू रिसर्च दैट इज द फाइनेंस अवेलेबल फॉर द पर्पज और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होता है कि रिसर्च के रिगार्डिंग कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी और इस पर्पज के लिए फाइनेंस कितना अवेलेबल है जिसके बेसिस पर रिसर्च को कंप्लीट किया जाना है तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर को सबसे पहले अपने रिसर्च डिजाइन को प्रॉपरली डेवलप करना होता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप द नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर फाइव इज डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन एक बार अब जब रिसर्च डिजाइन कंडक्ट हो जाता है उसके बाद सैंपल डिजाइन को डिटरमाइन किया जाता है अब सैंपल डिजाइन का मतलब क्या होता है तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन और यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब क्या होता है जब हम किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी में सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हुए उन पर सर्वे को कंडक्ट करते हैं यानी कि अपने सर्वे को कंडक्ट करने के लिए हम फील्ड ऑफ इंक्वायरी में इंक्लूडेड हर एक आइटम को फोकस करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं तो हम इसे कंप्लीट एनोशन का नाम तो हम इसे कंप्लीट एनोवेशन का नाम देते हैं या कंप्लीट सर्वे का नाम देते हैं ठीक है जो कंप्लीट पॉपुलेशन पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं और जब हम सारे आइटम्स को कंसीडर करते हुए अपने रिसर्च को या सर्वे को कंप्लीट करते हैं तो हम इसे सेंसस इंक्वायरी का नाम देते हैं जब सेंसस इंक्वायरी के बेसिस पर रिसर्च को फोकस किया जाता है तो इसके बेसिस पर हम मैक्सिमम एक्यूरेसी को ऑप्टेन कर सकते हैं लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए अमाउंट भी, भी बहुत ज़्यादा लगती है और इसके साथ साथ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए तो बहुत ज़्यादा टाइम मनी और एनर्जी के इन्वॉल्व होने की वजह से सेंसस सर्वे या सेंसस इंक्वायरी को फोकस कर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इसका एक ऑप्शन सर्च किया गया है क्या करते हैं इसके अंदर है ना वी सेलेक्ट अ फ्यू आइटम्स फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर स्टडी पर्पज जिसे हम सैंपल के नाम से जानते हैं यानी कि हम यूनिवर्स में से एक पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं आइटम्स पर अपना सेलेक्टेड आइटम्स पर अपने सर्वे को कंडक्ट करते हैं इस सेलेक्टेड आइटम्स को हम सैंपल के नाम से जानते हैं और इस सैंपल के रेफरेंस में जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है उसको हम कंप्लीट पॉपुलेशन पर फोकस कर देते हैं तो हम इसको सैंपल के या सैंपल सर्वे के नाम से जानते हैं द रिसर्चर मस्ट डिसाइड द वे ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल और सैंपल डिजाइन अ सैंपल डिजाइन इज अ डेफिनेट प्लान डिटरमाइंड बिफोर एनी डेटा आर एक्चुअली कलेक्टेड फॉर ऑप्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन यानी कि इस स्टेप में जब सैंपल डिजाइन को तैयार किया जाता है तो रिसर्चर को ये डिसाइड करना होता है कि वो सैंपल डिजाइन को किस तरीके से सेलेक्ट करेगा सैंपल डिजाइन के लिए एक डेफिनेट प्लान को डिटरमाइन किया जाना चाहिए रिसर्चर। जब आप एक्चुअल में डेटा को कलेक्ट करने वाले होते हो उससे पहले ही इस डेफिनेट प्लान को डिटरमाइन कर लेना होता है जिसके बेसिस पर गिवन पॉपुलेशन में से आप एक सैंपल को ऑब्टेन करोगे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन ये दो तरीके के ये दो तरीके होते हैं जिनके बेसिस पर दी हुई में से आप सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर द प्लान टू सेलेक्ट ट्वेल्थ ऑफ अटीज टू हंड्रेड ड्रग स्टोर सर्टेन वे सैंपल डिजाइन यानी कि किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर टू हंड्रेड ड्रग स्टोर्स हैं और इन टू हंड्रेड ड्रग स्टोर्स में से आप 12 ड्रग स्टोर्स को सिलेक्ट करके अपना सैंपल प्रिपेयर करते हो या सैंपल डिजाइन प्रिपेयर करते हो तो जो 12 दो सौ में से आपने जो दो बारह को सिलेक्ट किया है वो एक सैंपल डिजाइन कहलाएगा आपका ठीक है या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी में वन लैक पॉपुलेशन है और उस वन लैक में से आप वन थाउजेंड कस्टमर्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर सर्वे करते हो अगर तो जो वन थाउजेंड की यूनिट आपने सेलेक्ट किया कंज्यूमर्स की उसे हम सैंपल डिजाइन का नाम देंगे लेकिन ये किस तरीके सेलेक्ट किए जाने इसके लिए दो तरीके रहते हैं एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन इन दो तरीकों को फोकस करते हुए इन बच्चों किसी भी एक तरीके को फोकस करते हुए इसके अंदर डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं रैंडम सैंपलिंग है स्टेडिफाइड सैंपलिंग है, है कोटा सैंपलिंग है जजमेंट सैंपलिंग है कन्वीनियंस सैंपलिंग है इस तरह से डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स है इन टेक्निक्स में से आप प्रॉपर मेथड को सेलेक्ट करते हुए सैंपल डिजाइन को डिसाइड कर सकते हो ओके नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर कलेक्टिंग द डेटा इन डीलिंग विद मार्केटिंग प्रॉब्लम इट इज ऑफ इन डेटा एट हैंड आर इन एडिकेट एंड इट बिकम्स नेसेसरी टू कलेक्ट द फ्रेश एंड ऑरिजिनल डेटा देर आर सेवरल वेज ऑफ कलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट डेटा यानी कि जब आप मार्केटिंग प्रॉब्लम को डील करते हो तो एक्चुअली होता क्या है जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो कभी कभी इनएडिकेट होता है और इसकी वजह से आप प्रॉपर रिजल्ट्स को ड्रॉ नहीं कर पाते हो तो जरूरी है कि आप फ्रेश और ओरिजिनल डेटा को भी कलेक्ट करो और इस तरह से डेटा को कलेक्ट करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं एक्चुअली दो टाइप के डेटा अवेलेबल होते हैं एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा जिस पर्टिकुलर डेटा को आप फ्रेश और ओरिजिनल वे में कलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे और एनी अदर मेथड तो इसको हम प्राइमरी डेटा का नाम देते हैं और सेकेंडरी डेटा मतलब होता है जो डेटा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है और वो आपके रिसर्च में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो इसको हम सेकेंडरी डेटा का नाम देते हैं प्राइमरी डेटा की बात करें तो प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड आइदर थ्रू एक्सपेरिमेंट और थ्रू सर्विस या तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर या सर्वे के बेसिस पर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है अगर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है मान लीजिए तो इसके लिए क्वानिटेटिव मेजरमेंट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है जिसकी हेल्प से प्रॉपर् ट्रुथ को एग्जामिन कर सकते हैं लेकिन अगर सर्वे डेटा को फोकस करते हो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के मैथड्स को फोकस करना होता है और इसके लिए डिफरेंट मैथड्स सजेस्ट किए गए हैं जैसे कि बाई ऑब्जर्वेशन थ्रू पर्सनल इंटरव्यू थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू बाय मेलिंग ऑफ क्वेश्चन और थोड़ा इन पांच मेथड्स का यूज करते हुए आप सर्वे मेथड के बेसिस पर प्राइमरी डेटा को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हो लेकिन जब इन मेथड्स का यूज करते हुए रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है तो रिसर्चर को इन मेथड्स को सेलेक्ट करने से पहले कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी होता है जैसे कि इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्वायरी का स्कोप क्या है फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है इसके पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है और इसके साथ साथ उन्हें डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है उसके बेसिस पर जो मेथड्स मैंने सजेस्ट किए हैं उनमें से किसी एक मेथड को सेलेक्ट करके प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर सेवन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ द एग्जीक्यूशन ऑफ़ द प्रोजेक्ट प्रोसीड्स ऑन करेक्ट लाइन द डेटा टू बी कलेक्टेड वुड भी एडिकेट एंड डिपेंडेबल द रिसर्चर सुड सी दैट द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन अस्टेमेटिक मैनर एंड टाइम यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप में रिसर्चर को यह एंस्योर करना होता है कि जो उसका प्रोजेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन एक सिस्टमेटिक मैनर और एक सिस्टमेटिक टाइम में आगे बढ़ रहा हो क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन सही होगा करेक्ट लाइंस पर होगा तो जो डेटा कलेक्टेड होगा वो एडिकेट होगा और उसके बेसिस पर आप एक्यूरेट रिजल्ट्स को विद्रॉ करने में कामयाब हो पाओगे और प्रॉपर रिजल्ट को आप उससे अचीव कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटा को इंटरव्यूअर्स के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट्स फोकस करने होते हैं जैसे क्या अरेंजमेंट्स हैं जो इंटरव्यूअर्स हैं उनका प्रॉपर सिलेक्शन हो और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो अगर वो प्रॉपरली सेलेक्ट किए जाएंगे और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो उसके बेसिस पर वो प्रॉपर इंटरव्यू को फोकस करते हुए डेटा को एक्यूरेट वे में करेक्ट कर पाएंगे तो एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट में हमें इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को बहुत ज्यादा और बहुत केयरफुली फोकस करना होता है इसका मतलब हुआ कि स्टेप्स वुड बी टेकन टू एंश्योर दैट द सर्वे इज अंडर स्टेटिस्टिकल कंट्रोल सो दैट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द प्री प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सी यानी कि यहां पर आपको ये एनश्योर करना होता है रिसर्चर को यह एनश्योर करना होता है कि जो स्टेप्स हैं उनको प्रॉपर वे में फॉलो किया जा रहा है और जो सर्वे है वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल के अंडर में है जैसे कि जो डेटा आपके पास या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए वो स्टैंडर्ड एक्यूरेसी जो प्री डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग हो इसको एंश्योर करने के लिए हर तरीके के एफर्ट रिसर्चर के द्वारा फोकस किए जाने चाहिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है डेटा अगर प्रॉपर वे में कलेक्ट किया जाता है तो उसके बेसिस पर आपके पास हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं लेकिन अगर डेटा को कलेक्ट गलत तरीके से किया गया या कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो कंप्लीट जितना भी वर्कआउट किया गया है ईच एंड एवरी वर्कआउट इज गोज इन अफेन कोई भी फायदा नहीं मिलता है इसका तो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा क्या करना है इस स्टेज पर नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड टू एनालाइज द डेटा जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है इन द स्टेप नंबर सिक्स उस कलेक्टेड डेटा को इस स्टेप में एनालाइज किया जाता है और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं क्या करते हैं इसके लिए सबसे पहले तो कैटेगरीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है फिर जो रॉ डेटा होता है रॉ डेटा होता है उनको इन कैटेगरीज में एप्लीकेबल किया जाता है कोडिंग के बेसिस पर फिर इस पर्टिकुलर डेटा को टेबुलेट किया जाता है और इस टेबलेशन के बाद स्टेटिस्टिकल इन्फ्लेंसेस को ड्रॉ किया जाता है तो इन पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हम डेटा को जो कलेक्टेड डेटा है उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले जो रॉ डेटा होता है उसको पर्पजफुल और यूजेबल कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है जब डेटा प्रॉपर्ली क्लासीफाई हो जाता है तो इस क्लासीफाई डेटा को टेबल की फॉर्म में रखा जाता है और टेबल की फॉर्म में कंप्लीट करने के बाद ही आप क्या करते हो इसे प्रॉपरली एनालाइज़ करते हो ओके द नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि जब आप डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हो तो डेटा को एनालाइज करने के बाद नाउ द रिसर्चर इज इन अपोजिशन टू टेस्ट दाइपोथिस अब रिसर्चर हाइपोथिस को प्रॉपरली टेस्ट कर सकता है जैसे इसने पहले थर्ड स्टेज में फॉर्मुलेट किया था अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का नंबर आता है टेस्ट करने का मतलब क्या है हम ये देखते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं या फिर इसके अगेंस्ट में जाते हैं हमें यह चेक करना होता है यहाँ पर सो द हाइपोथिस में यूज ऑफ डिफरेंट टेस्ट डेवलप्ड बाय स्टेटिस्टियंस अपॉन द नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इनक्टिंग द हाइपोसटिंग इट हाइपोथीसिस को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डेवलप किया गया है स्टैटिशियंस के द्वारा जैसे कि काय टेस्ट है टी टेस्ट एफ टेस्ट इनके बेसिस पर हम हाइपोथीसिस को प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है रिसर्च इंक्वायरी का नेचर क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है इसके बेसिस पर हम डिफरेंट टेस्ट में से किसी एक टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और हाइपोथेसिस को प्रॉपरली टेस्ट करते हैं इस टेस्टिंग के बेसिस पर हमारा रिजल्ट ड्रॉ होगा और उसके बेसिस पर या तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एक बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग कम्प्लीट जाती है देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर टेन दिस इज द जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन

ऑपटेन की जाएगी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द रियल वैल्यू ऑफ रिसर्च लाइज इन एबिलिटी टू अराइव एट सर्टेन जनरलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग प्रॉब्लम अंडर स्टडी यानी कि जब हम किसी रिसर्च की बात करते हैं तो उसकी रियल वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा एबिलिटी के साथ में स्टडी को फोकस कर रही है जो मार्केटिंग प्रॉब्लम आपकी स्टडी में है उसके रिगार्डिंग आप जनरलाइजेशन को अचीव कर पाते हो जितना एक्यूरेट वे में आप मार्केटिंग प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जनरलाइजेशन को फोकस करते हो एक सर्टेन जर्नलाइजेशन यानी कि एक सर्टेन सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हो उतना ही आपके रिसर्च की वैल्यू ज्यादा होती चली जाती है तो यहां आप क्या करोगे जर्नलाइजेशन को फोकस करोगे और प्रॉपरली करोगे और उसके बेसिस पर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो यहां आपका सॉल्यूशन मिल जाता है इन रिगार्ड ऑफ द मार्केटिंग प्रॉब्लम अंडर द स्टेप नंबर टेन द लास्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट द फाइनल स्टेप इन मार्केटिंग रिसर्च इज समराइजिंग द रिजल्ट एंड मेकिंग अ रिपोर्ट द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन आर पुट इन सच आ मैनर दैट द रेसिपियंट ऑफ द रिपोर्ट कैन अंडरस्टैंड दैम क्लियरली टू यूज दैम यानी कि जब एक बार आपके पास सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं और प्रॉपरली आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो इसको जर्नलाइज वे में प्रेजेंट कर देते हो तो इसके बाद आपको मार्केटिंग रिसर्च को समराइज करने के मार्केटिंग रिसर्च के रिजल्ट को समराइज करने के बाद रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होता है इसके रिगार्डिंग फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन को इस तरीके से आप फाइनल रिपोर्ट में प्रोवाइड करते हो जिससे कि जो रिपोर्ट के रेसिपियंट्स हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझ सके और इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर एक्शन ले सके और अपनी प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हुए इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में आ सके तो इस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का यूज करते हैं थैंक यू